दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी गवाही देती ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने कोचिंग कांड में नगर निगम कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार दी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हाथों में चूड़ियां लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रही हैं। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कल से ही इस घटना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार कर रही है। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी कि इनकी सरकार के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से काम रुकवाया दिया जाए, जिससे एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट को डिफंकन किया जाए, ये इनकी पूरी कोशिश है इनकी। तो अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर दिल्ली साहब के पास आए हैं कि जो अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं और जिनके निकम्बेपन की वजह से दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत संदेश दीजिए दिल्ली के अंदर। आज संसद के दोनों सदनों में दिल्ली कोचिंग कांड का मुद्दा छाया रहा। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर, ये बेसमेंट में ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की का शासन था। क्या किया आपने उस समय? फिलहाल कोचिंग कांड को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म है। दिल्ली सरकार और नगर निगम मीटिंग पर मीटिंग कर मामले की जांच में जुटे हैं। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने भी ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर घटना स्थल का दौरा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।